भी देखो और सीखो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त हनुमान। बच्चों, आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति, लोहरी और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम सीखेंगे कि पोंगल क्यों मनाया जाता है और पूरे देश में अलग अलग तरीके से कैसे मनाया जाता है। आज आप जो भी सीखेंगे अपने घर के बड़ों के साथ में से ज़रूर शेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे कि पोंगल का, मकर संक्रांति और उत्तरायण का महत्व और मतलब क्या है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का ये त्यौहार भगवान सूर्य नारायण को अर्पित है। आज के दिन हमारे किसान भाई अपनी नई फसल और नई उपज से निकले धान के स्वादिष्ट पकवान बनाकर भगवान सूर्य नारायण को अर्पित करते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ जोर शोर से इस त्यौहार को मनाते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य नारायण आज के दिन दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिस कारण इस त्यौहार को मकर संक्रांति या फिर उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। हमारे उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्य जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में ये त्यौहार लोहरी के नाम से मनाया जाता है। आज के दिन हमारे किसान भाई अपनी नई उपज जैसे गन्ना, मूंगफली, तिल, मकई और सरसों से बने स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं, जैसे सरसों दा साग, मक्की दी रोटी और गुड़ से बनी मिठाइयाँ जैसे गजक, तिल के लड्डू। इन्हें अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ में मिलजुल कर खाते हैं। रात में लोहरी आलाव यानी बॉनफायर जलाकर सारे गांव वाले एक दूसरे के साथ में हंसी खुशी नाच गा कर इस लोहरी त्योहार को मनाते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के अन्य राज्य जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसे मकर संक्रांति या उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। आज के दिन वही गुड़ की बनी मिठाइयाँ, तिल के बने लड्डू और पतंग उड़ाने का भी चलन है। आज के दिन बच्चे अपने माता पिता के साथ छत पर रंग बिरंगी सुंदर सुंदर पतंगें उड़ाते हैं। बच्चों, पतंग उड़ाते समय अपने बड़ों के साथ में रहे। अकेले छत पर पतंग उड़ाना, छत पर यहाँ से वहाँ छलांगे मारना, ऊपर से नीचे कूदना, रोड पर, सड़कों पर पागलों की तरह पतंग के पीछे भागना, ऐसे काम बिल्कुल ना करें। इससे आपको बहुत गहरी चोट लग सकती है। अब बढ़ते हैं हमारे दक्षिण भारत की ओर, जहाँ पर यह त्यौहार पोंगल के नाम से मनाया जाता है। स्पेशली तमिलनाडु में ये त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन होता है भोगी। भोगी के दिन सारे तमिल भाई अपने परिवार के साथ में अपनी पुरानी चीजें, पुरानी वस्तुएं, पुराने कपड़ों को जला देते हैं। इससे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। दूसरा दिन होता है पोंगल यानी मकर संक्रांति। ये दिन तमिल कैलेंडर के तई महीने यानी तई मास के पहले दिन आता है, तो इस कारण इसे तई पोंगल भी कहा जाता है। इस दिन हमारे तमिल भाई नई उपज, दक्षिण में चावलों की खेती होती है, तो उनकी नई उपज यानी नए चावल को मिट्टी के बर्तन में रखकर उसमें दूध डालकर उसे उबाला जाता है। उसे तब तक छोड़ दिया जाता है जब तक वो दूध उबलकर बाहर ना आ जाए, और जैसे ही दूध बाहर उबलकर आता है पूरा परिवार हर्ष और उल्लास के साथ में जोर से चिल्लाता है, पोंगलो पोंगल। ये त्योहार दक्षिण में बहुत महत्व रखता है। इस दिन गुड़ से बनी मिठाई यानी मीठा पोंगल बनाया जाता है, जिसे तमिल में सकरे पोंगल भी कहते हैं। तीसरा दिन आता है माटु पोंगल। ये त्योहार अपने आप में एक विशेष त्योहार है, एक अलग किस्म का त्योहार। इस दिन हमारे दक्षिण के किसान भाई अपनी खेतों में यूज किए गए बैल, गाय और अन्य पशुओं को नहलाते हैं, फिर उनके सींगों को रंगते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। चौथा दिन होता है कानम पोंगल। इस दिन सारे तमिल भाई अपने परिवार के साथ
अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के घर जाते हैं, उनसे मेल मिलाप करते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। तो बच्चों, ये थी मकर संक्रांति, पोंगल और उत्तरायण की कहानी। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए और आप इससे कुछ सीख सकें। बच्चों, आपने एक बात नोटिस की, पूरे देश में जो भी मिठाई बनाई गई है पोंगल के दौरान, वो गुड़ से बनाई गई है। गुड़ का अपना ही अलग महत्व है, गुड़ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। बच्चों, गुड़ इज गुड फॉर हेल्थ। रोज अपनी मम्मी से कहिए कि एक छोटा सा दाना गुड़ का जरूर दें, इससे आपको किसी टैबलेट या इम्यूनिटी बूस्टर या फिर किसी च्यवनप्राश की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल गुड़ ही काफी है। तो बच्चों, ऐसी और अनोखी सीख के साथ हम फिर मिलेंगे आपके अपने इसी चैनल ऋत्विस में। देखो और सीखो। बच्चों, तब तक इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और आपने जो कुछ भी सीखा है अपने बड़ों के साथ में मिलकर नीचे कमेंट करो, ठीक है? फिर मिलेंगे एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी पोंगल।